नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अल्मोड़ा में बिजली बिल में अनियमितता को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के वरिष्ठ नेता की ओर से बिजली विभाग के खिलाफ विरोध करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के कई गांव में बिना रीडिंग के बिल भेज दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भी आक्रोश है। वहीं हैरानी की बात है कि विभाग के उच्च अधिकारी भी ग्रामीणों की परेशानी सुनने को तैयार तक नहीं है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट शंशीखाल पावर हाउस में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद ज्ञानी ने बिजली विभाग में हो रही अनियमितताओं को लेकर बिजली विभाग का विरोध किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विनोद ज्ञानी का कहना है कि सल्ट क्षेत्र के कई गांव में बिजली विभाग बिना रीडिंग चेक किए बिलों को भेजते हैं, जबकि लोगों का बिजली का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। ऐसे में विभाग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की बात पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। साथ ही बिजली विभाग के SDO अधिशासी अभियंता बात सुनने के लिए कतई राजी नहीं है। ऐसे में बिजली विभाग की घांगली से ग्रामीणों में रोष है। कि दो मियां भी रहते हैं घर पे, इनके बच्चे कोई घर पे रहते नहीं है, और बिल आ रखा 50,000 कुछ रुपए का बिल, और घर पे ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना कुछ नहीं है घर पे इनका। अब बिल इतना आने का क्या मतलब होता है? अब जब हम अधिकारी से संपर्क करते हैं तो ये अधिकारी गोलमोल में हमको जवाब देकर टाल देते हैं। ना ही इनके पास कोई कर्मचारी है काम करने को। बीच में मैंने कहा खदेरे गाँव का मामला बताया इनको, मैंने कहा लॉबिंग करनी है, लॉबिंग करने को राजी नहीं है कर्मचारी। कल रात से खदेरे गाँव में लाइट नहीं है मेरे क्षेत्र में, वहाँ मैंने इनको कब से कल SDO साहब को बोल दिया, एक्शन साहब को बोल दिया, JE को बोल दिया, कोई सुनने को राजी नहीं है। ठेकेदार लाए हैं, ये मुरादाबाद का आदमी कमीशन खा के ठेकेदार को लाते हैं यहाँ ऊपर, और उनसे उसके बाद यहाँ ट्विटर फोक देते पब्लिक के ऊपर। पब्लिक हमको परेशान कर रही है, इनको इतना झटका नहीं लगा। मरचुलामा में भैरंगाल की एक गाड़ी जली थी, तार ऊपर से टूटा हुआ था, उस झटके को लगने के बाद भी फिर भी ये लोग मानने को राजी नहीं है। एक परिवार ऐसा बोल दिया जिस घर पे बिजली का बिल ज्यादा नहीं आ रखा, हर परिवार के घर पे ज्यादा बिल आ रखा है। ये पोखरी का मामला है, 40,000 का बिल उनका आ रखा है। साल भर में भी दो मियाँ बीवी रहते, कैसे 40,000 का बिल आ जाएगा? ये लोग कह रहे हम संशोधन कर, क्या संशोधन कर रहे हैं लोग? ये कह रहे हमारे उच्च अधिकारी को बात कर रहे हैं, उच्च अधिकारी का हम एक्शन को जानते हैं, कोई बड़ा उच्च अधिकारी को भी नहीं जानते यहाँ सल्ट में। का मीटर रीडिंग के अनुसार नहीं आ रहा है तो वो संशोधित हो जाएगा। वैसे मीटर रीडिंग के बिल में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। शुरू हो गया है पोल बदलने का, वो सारे बदल जाएंगे पोल जो भी क्षतिग्रस्त हैं। अभी जैसे जैसे पोल मिलते जा रहे हैं, अभी हमें 95 पोल मिले थे, अभी हमारे 463 पोलों का काम है। तो अभी जैसे ही मिलते हैं हम लोगों की तरफ से कोई डिले नहीं होता है उसमें।